क्या फिर से वादिय कश्मीर में तेज बारिशें हो सकती है, क्या तेज हवाएं हो सकती है? मेरे साथ बातचीत करने के लिए है महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार साहब। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वक्तन फवक्तन आप बात करते रहते हैं हमारे साथ। जानना चाहूँगा, निगाहें सारी कश्मीर पर है, कल से फिर से जो है मौसम जो है अब आलूद देखने को मिला, क्या है मौसम आने वाले वक्त में, क्या तेज हवाएं हो सकती है, तेज बारिशें हो सकती है कश्मीर के अंदर? जी बहुत बहुत शुक्रिया। देखो ऑलरेडी फोरकास्ट था खासकर 18-19 को फिर से एक वेट स्पेल रहने के चांसेस हैं, तो आज मॉर्निंग से ही बारिशें शुरू हुई हैं कुछ एक जगहों के अंदर, खासकर पहाड़ी इलाकों के अंदर हल्की बर्फबारी, और जम्मू के कुछ एक जगहों पे भी जो है हल्की बारिशें जो आज दोपहर से पहले हुई, तो फिर से जो है दोपहर के बाद खासकर लेट आफ्टरनून में फिर से बारिशें हो सकती है जम्मू डिवीजन के अंदर। तो कुल मिला के इसका जो एक्टिविटी है ये लगभग 19th लेट इवनिंग नाइट तक, कुछ एक जगहों पर लेट नाइट तक भी रहने के चांसेस हैं। फिर 20 को भी जो है मौसम अबरालूत रहने के साथ साथ कुछ एक जगहों पे बारिशें रह सकती है खासकर वैली के अंदर। फिर 21st से लेकर 25th तक वेदर अमूमन ठीक रहेगा, क्लाउडी भी रहने के चांसेस हैं, और बाद दोपहर जो बारिशें होती है खासकर लोकल डेवलपमेंट के कारण, तो वो जो है उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। बाकी फिर 26-27 के बीच में भी एक लाइट स्पेल के फिर से चांसेस हैं, और उसके बाद जो है फिर 31 अप्रैल तक जो है अमूमन ठीक रहने के चांसेस हैं एंडिंग अप्रैल तक। जी क्या कहीं जगह बर्फबारी हो सकती है पहाड़ी इलाकों में? पहाड़ी इलाकों में ऑलरेडी आज मॉर्निंग से कुछ एक जगहों पे बर्फबारी शुरू हुई है, हल्की बर्फबारी रहने के चांसेस हैं, और जो मैदानी इलाके हैं यहाँ पे भी इंटरमिटेंटली लाइट रेनफॉल और बीच बीच में जो है मॉडरेट इंटेंसिटी की भी बारिशें हो सकती हैं शॉर्ट पीरियड के लिए। बाकी वेदर जो है फिलहाल नेक्स्ट दो दिन तक जो है फिलहाल खराब रहने के चांस हैं पूरे जम्मू कश्मीर के अंदर। अच्छा, पिछले दो दिन की बात करते हैं जहां तेज बारिशें कश्मीर के अंदर हुई, तो ऑलमोस्ट 45-48 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई खासकर साउथ कश्मीर के अंदर। बाकी जम्मू डिवीजन के अंदर हैवी बारिशें हुई, जो अभी पिछला जो स्पेल चला गया जिसमें ऑलमोस्ट 88 मिलीमीटर के आसपास बारिशें हुई, इसी तरह डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर भी जो है ऑलमोस्ट 70 मिलीमीटर के आसपास। तो जो जम्मू के अंदर जो बारिशें हुई वो मतलब रिकॉर्ड तोड़ बारिशें हुई और हाईएस्ट 24 आवर्स में जो देखा गया है, तो पिछले 20-30 सालों का रिकॉर्ड जो उसने तोड़ा जम्मू डिवीजन के अंदर। बाकी यहाँ पे भी बिल्कुल इंटेंस बारिशें हुई लगभग 2-3 घंटों के लिए, और काफ़ी ज़्यादा जगहों पे जो है पानी भी जम चुका था खासकर जो लो लाइंग एरिया से। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे से बात करने के लिए महकमे मौसमियात के डायरेक्टर मुख्तार साहब हमारे से बातचीत करने। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, हल्की दरमियाना दर्जे की जो है बारिशें होंगी 19 तक, और उसके बाद जो है मौसम खुशगवार रहेगा, लेकिन आप ज़रा अफवाहों पर ध्यान ना दें, क्योंकि लगातार कल से सोशल मीडिया पर ये अफवाहें हो रही थी कि तेज़ हवाएँ तेज़ बारिशें होंगी, लेकिन जब महकमा मौसमियात आपको 24 घंटे अपडेट देता रहता है तो आप क्यों अफवाहों पर ध्यान दें? देखते रहे मेरे साथ ग्लोबल कश्मीर।